ladies and gentlemen, cps international and Goodword welcomes you for a talk by mulana vaidurin khan on how to build a spiritual personality. after the talk, we will have a short question-answer session. we've already placed the question slips on your seats. you could fill that up and hand it over to any of the cps volunteers. now, before uh, we start, i would request <coughs> you to kindly switch off your mobile phones <coughs> so that the session doesn't get disturbed. thank you. वल्ल नबील करकरीम रब शहली صدري व सिरली अमरी वाहल तमिलसानी यफ़ कहो कौली जैसा कि आपने सुना आज का टॉपिक है इस्परिचुलिटी स्पिरिचुअलिटी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ओल्ड सब्जेक्ट है ग्रीस में जो फिलासफर्स थे साटीज प्लेटो अरिस्टाटल उन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी को अपना सब्जेक्ट बनाया उसके बाद जो फिलासफर्स आए जैसे डिकार्ट बर्कले बर्गसा और मार्कस रिलियस और बहुत से लोग उन्होंने भी इसको अपना सब्जेक्ट बनाया तो इस्परिचुअलिटी जो है वो फिलासफ़ी का भी सब्जेक्ट है रिलीजन का भी सब्जेक्ट है और आप जानते हैं कि उसका एक डिपेंडेंट डिसिप्लिन भी है जिसको हम कहते हैं मिस्टिसिज्म इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये स्पिरिचुअलिटी का के कोई उसकी अब तक डिफिनेशन एक्सेप्टेड डिफिनेशन अभी तक सामने नहीं आई सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी आज जो एस्पेक्ट मैंने लिया है स्पिरिचुअलिटी का उसको सामने रखते हुए मैं कहूँगा कि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का डिफिनीशन है लिविंग बियन मटेरियलिटी मटेरियल चीजों से ऊपर उठकर जीना लिविंग बियन मटेरियलिटी यह है मेरे दिक डिफिनीशन स्परिचुअलिटी का देखिए इस दुनिया में हम दो चीजों के बीच में जीते हैं हमारा भी देखिए बॉडी है और सोल है चीजें हैं और चीजों की मीनिंग भी है तो इस दुनिया में हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं जब आप जीते हैं मटेरियल चीजों में देन यू आर लिविंग इन मटेरियलिटी और जब आप जीते हैं मादी से ऊपर उठकर देन यू आर लिविंग बियॉन्ड मटेरियलिटी यह मैं समझा हूं जिस स्पिरिचुअलिटी का टू टूलिस्टेड दिस पॉइंट आई विल गिव एन एग्जाम्पल देखिए आपने देखा होगा डेली हमारे यहाँ पार्टीज होती है डिनर होते हैं लोग खाते पीते हैं तो क्या होता है वहाँ पर लोग उसी पर बातें करते हैं क्या क्या डिशेस हैं क्या खाने पीने के सामान हैं क्या है क्या नहीं है उसी पर हुआ करते हैं उसी पर बातें करते हैं मैंने एक बार देखा कि दो साइंटिस्ट बात करते हुए दो साइंटिस्ट डिनर पर वो डिनर पर थे खाने की डिनर खाने पर खाने के मेज़ पर लेकिन एक बार भी मैं नहीं देखा कि वो डिनर के किसी डिश पर बात कर रहे हो वो अपने साइंटिफिक सब्जेक्ट में बात कर रहे थे यानी फिजिकली देवर एट द डिनर टेबल बट इंटेलेक्चुअली देवेर लिंग देवेर लिविंग बियॉन्ड द डिनर यह है फर्क तो मैं समझ पाया हूँ कि इस दुनिया में जीने के दो तरीके हैं एक ये कि आप मटीरियल चीजों को नीड न समझे उसी को अपना जिंदगी का पर्व बना ले उसी में सुबह आपकी गुजरे उसी में शाम गुजरे उसी में आप जिए और दूसरा यह है कि आप मटेरियल चीजों को नीड के तौर पर लें नीड जरूरत आपकी सोच इससे ऊपर चलती हो इससे ऊपर तो यही है स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है स्पिरिचुअलिटी अब देखिए कि स्पिरिचुअलिटी के दो डिफरेंट आस्पेक्ट हैं दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं एक को मैं कहूँगा कि रिलीजियस ब्रांच यानी लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो सोर्स है जानने का कि सच्चाई क्या है सच्चाई को जानने का सोर्स इस पर हजारों साल से लोग काम करते रहे जिसको आप कहते हैं मुराकबा या मेडिटेशन के थ्रू तो उनका मानना यह है कि हमारा जो हार्ट है हमारा जो दिल है देर इज सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्चूज सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ विजडम यानी दिल को वो सोचते हैं कि इसमें खजाना है सारे अच्छी बातों का सच्चाई का तो तो वो उसी में मेडिटेट कर मेडिटेशन करते मेडिटेशन करते हैं उससे अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये जो स्परिचुअलिटी का जो स्कूल है उसके नजदीक इंसान का जो दिल है उसका हार्ट जो है उसी में सब कुछ है उसमें पैट्रेट करो उसको डिस्कवर करो उसको अनफोल्ड करो तो तुम सच्चाई को पालोगे लेकिन बस समझता हूँ कि साइंटिफिक एज में ये कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो गया है जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी डिस्कार हो गई अब हम हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक को मानते हैं इसलिए के देखिए मेडिकल साइंस जो है उसने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारा दिल है वो सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सोर्स है बस दिल में कुछ भी नहीं है दिल में न कोई फीलिंग है न कोई थिंकिंग है न कोई उसमें माइंड है वो सिर्फ ब्लड को पम्प करता है तो आप कहाँ वहाँ सच्चाई मिलेगी आपको सच्चाई उसमें होने का जो सोच थी पहले अब वो सुप्रस्टिशन प्रूव हो गई है वो सुप्रस्टिशन है तो मैं समझता हूं कि इस एस्पेक्ट से अब स्पिरिचुअलिटी का कोई फंक्शन नहीं रह गया कि सच्चाई को डिस्कवर करें हम अपने दिल में पेट्रेट करके उसमें मुराकबर करके या मेडिटेट करके तो इस एतबार से स्परिचुअलिटी उतनी ए, वो हो डिस्कार्ड हो चुकी है उसी तरह से जिस तरह से जियोसेंट्रिक से जियो थियोरी डिस्कार्ड हो चुकी है इसलिए मैं इसको नहीं मानता मैं जिस स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ देर तो इज माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज से हम वो चीज़ पाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल आइटम स्पिरिचुअल कंटेंट तो माइंड पर दिमाग पर या जहन पर बेस करके हम उस स्पिरिचुअलिटी को पाते हैं तो मैं माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ उसी सेंस में मैं अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन समझता हूँ अब देखिए कि ये क्या चीज़ है माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लियर फार्मूला दिया है जीसस क्राइस्ट ने लव योर एनिमी बेस्ट फार्मूला है स्पिरिचुअलिटी का मैं समझता हूँ कीजिए लव योर एनिमी मगर व्हाट व्हाट इट मीन्स क्या मतलब है लव योर एनिमी का मैं समझता हूँ कि इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि लव योर एनिमी बाय बाय राइजिंग अबव द एनमिटी दुश्मनी से ऊपर उठ जाओ तो तुम उस आदमी को समझो कि ये तो मोहब्बत के काबिल आदमी है लव योर एनिमी बाय राइजिंग बियॉन्ड द एनमिटी बेस्ट फार्मूला है ये उस 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 स्पिरिचुअलिटी का जिसको मैं यहाँ जिसके बारे में मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन आप देखिए कि क्यों इंसान मोहब्बत करे अपने दुश्मन से ये सवाल फिर भी बाकी रहता है हेयर वी नीड एन आइडियोलॉजी हम अपने दुश्मन से क्यों मोहब्बत करें तो आप जानते हैं कि इंसान जो है एक एक, एक रैशनल बीइंग है इंसान किसी चीज़ को रीजन आउट करता है तब तो वो मानता है उसको क्योंकि मैंने रैशनल अली कहा जाता है तो वी नीड एन आइडियोलॉजी जब हम एक आइडियोलॉजी पालेंगे तभी हम ऐसा कर सकते हैं हम अपने एनिमी से मोहब्बत कर सकें अब मैं इसको इसके लिए इसको एलिस्ट्रेट करने के लिए टू तो एलिस्टेट दिस पॉइंट आई विल गिव एन एग्जांपल देखिए ये गिलास है पानी का ये पानी का एक गिलास है आम आदमी सोचता है कि मैंने इसको चंद रुपये गिलास जा पानी ख़रीद लिया लेकिन मैं जब गिलास को देखता हूँ यानी इस्पीशल आई से तो मुझे ये गिलास जो है एक इंसार्क्पीडिया दिखाई देता है वो कैसे सिविलाइजेशन की एक लंबी जर्नी है तब जाकर हमें ये गिलास मिला है आप देखिए पहले इंसान पानी कैसे पीता था बहुत पहले पहले इंसान पानी पीता था बाय ज्वाइनिंग हिज हिज इज़ हिज पॉम्प्स अपने हाथ को इस तरह से करके इससे पानी पीता था वो मैं बचपन में यानी अस्सी साल पहले जब मैं गांव में था अब से एट्टी ईयर्स पहले बचपन में मैंने देखा है कि लोग किस तरह से इस तरह से हाथ से पानी पीते थे फिर क्या हुआ फिर इंसान ने लकड़ी के बनाए वो पॉट लकड़ी के फिर इंसान ने मिट्टी का पॉट बनाया वो भी मैंने देखा है अपने आँख से लकड़ी का भी देखा है मिट्टी का भी देखा है फिर कैसे कैसे टिन के बने किस लोहे के बने होते होते स्टेन, स्टे, स्टेनलेस स्टील के बने ये गिलास बना जो इतना ब्यूटीफुल है इसके पीछे सिविलाइजेशन की एक लंबी हिस्ट्री है यानी हज़ारों हज़ार इंसानों ने अपने को डेडिकेट किया डिस्क, इसको जानने के लिए कि कैसे पानी हम पिए इस तरह से पीने के बजाय इस तरह से अनिमल पीता है इस तरह से पानी पीना ये 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 एनिमल स्टाइल है तो इंसान कैसे पानी पिए उसके लिए उन्होंने बहुत दिनों तक रिसर्च की फिर मिट्टी का बनाया और, और लकड़ी का बनाया मेटल का बनाया होते होते गिलास का बनाया तो जब आप इसको लें आपको उन सारे इंसानों के लिए आपके दिल में एक एक दरिया मोहब्बत का आ जाएगा जिन्होंने आपके लिए काम किया आपको अपने को डेडिकेट किया तब वो आपको इतनी आसानी से एक गिलास मिल रहा है इसमें आप पानी पीते हैं तब आपको गिलास ऐसा नहीं लगा कि चंद रुपए में आपने मार्कर से दिया है शॉपिंग सेंटर से बल्कि लगेगा कि एक पूरी लाइन है इंसानों की हज़ारों साल के दरमियान पूरी एक लाइन है वो मेहनत कर रही है कोशिश कर रही है अपने को डेडिकेट की या सेक्रीफाइस कर रही है ताकि मुझको शीशे गिलास में पानी पीने का मौका मिले यह है लव योर एनिमी, यानी उस वक्त एनिमी और फ्रेंड का डिफरेंस खत्म हो जाता है लव योर एनिमी का मतलब है लव ऑल इंक्लूडिंग योर एनिमी तो कैसा फ्रेंड कैसा एनिमी ऐसी देखी जो आप कपड़ा पहनते हैं ये कपड़ा पहले इंसान एकदम पहले इंसान क्या करता था वो पेड़ के पत्तों को ढाकता था अपने अपने बॉडी को वफिका अकसफा अल्म मम्मी मुबरिक जन्ना फिर बहुत ही क्रूर किस्म के कपड़े बनने लगे बहुत ही क्रूर किस्म के उससे पहले अनिबल के अनिबल का स्किन जो है खाल जो है उससे आदमी कपड़े बनाता था फिर बहुत कूर्द कपड़े बने होते होते टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी लेकिन आप देखिए इसके पीछे हजारों साल की हिस्ट्री है इस कपड़े के पीछे हजारों साल की हिस्ट्री है अब जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आपके दिल में एक मोहब्बत का एक दरिया बह जाएगा कि कैसे इंसान थे वो जिन्होंने मेरे लिए हजारों साल तक काम किया काम किया काम किया ताकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने को मिले इस तरह से ये बाइक है ये कैमरा है ये फर्नीचर है ये बिल्डिंग है हर चीज़ के पीछे हजारों साल की तारीख है दर इज द आइडियोलजी ऑफ लव योर एनिमी जब आप इस तरह आप सोचेंगे तो एनिमी और फ्रेंड का डिफरेंस मिट जाएगा आपकी नज़र में न कोई एनिमी दिखाई देगा ना फ्रेंड दिखाई देगा सब आपको ह्यूमन सब इंसान दिखाई देंगे अपने जैसे इंसान यह है आइडियोलॉजी जो हमारे माइंड में जब आ जाए तब हम अपने सारे इंसानों को अपने जैसा देखेंगे सारे इंसानों से हम प्यार करेंगे सब के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होगी ये जो को मैंने कहा कि लिविंग बियन मटेरियलिटी लिविंग बिन्ड मटेरियलिटी जब मटेरियल लेवल पर आप जीते हैं तो आपको लगता है कि मैंने इसको चंद पैसे में ख़रीदा है बस इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं मिलता आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको लेकिन जब उस तरीके से सोचते हैं जैसे मैंने अर्ज किया तो यह आपको मोहब्बत का एक एक दरिया इसमें दिखाई पड़ता है ऐसे देखिए इस दुनिया में हम जब एक और आस्पेक्ट से देखिए इस दुनिया में जब हम इस सोसाइटी में जब रहते हैं तो सोसाइटी क्या है सोसाइटी जो है जंगल ऑफ डिफरेंसेस का नाम है हर तरफ़ डिफरेंसेस है जहाँ डिफरेंस है वहाँ हेट है जहाँ डिफरेंस है वहाँ प्रॉब्लम है जहाँ डिफरेंस है वहाँ वह वह फाइटिंग है जहाँ डिफरेंस है वहाँ सारे नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं तो सोसाइटी में हर आदमी हर औरत हर व्रत हर बर्द मिस्टर डिफरेंट है हर और हर, और औरत मिस डिफरेंट है तो सब लोग डिफरेंट हैं डिफरेंट उनका टेस्ट है डिफरेंट टम्परामेंट है डिफरेंट थिंकिंग है तो जाहिर है कि खिलाफत होंगे अब कैसे दुनिया में रहा जाए आप देखिए आजकल आप लोगों को टटोलिए लिए हर आदमी कहीं ना कहीं हेट लिए हुए दूसरों के लिए जैसे मैं मुसलमानों में रहता हूँ मुसलमानों में पैदा हुआ हूँ हर मुसलमान जो है क्या हाल है उसका कोई यहूदी से नफरत कर रहा है कोई अमेरिकन से नफरत कर रहा है इन्हें हर एक के बारे में उनके दिल में नफरत है क्यों कोई ने कुछ कंप्लेंट लिए हुए हैं किसी ने उनकी एम्पायर छीनी है किसी ने उनका लैंड छीना है किसी ने उसकी इकनॉमिकली नामिक, कोई उनको एक्सप्लाइट कर रहा है ऐसे सब का हाल है चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने मुसलमानों को जिक्र किया सबका ही हाल है कि कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों से कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है तो गुस्सा है, उनको रिवेंज है उनके दिल में उनके इधर हेट है अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए इसके लिए हमें एक आइडियोलॉजी चाहिए यानी हाउ टू रिमूव ऑल दीज नेगेटिव थाट्स हाउ टू लिव एज ए पॉजिटिव पर्सन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक को दूसरे से कुछ ना कुछ यानी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है ये इसी सोसाइटी है यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप यानी जो मैंने कहा कि लिविंग बियॉन्ड मटरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई होता है कि आप सोचिए कि वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड दैट वॉज नॉट क्रिएटेड बाईस ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं क्या हमने बनाया है इट वॉज क्रिएट बाई द क्रिएटर तो क्रिएटर की स्कीम ऑफ थिंक क्या है क्रिएटर का कैसे प्लान क्या है वो हमें जानना पड़ेगा यानी दूसरे की बनाई हुई दुनिया में हम अपने ढंग से बने रह सकते इट इज इम्पॉसिबल जब दुनिया बनाने वाला कोई और है तो हम अपने ढंग पर कैसे रह सकते हैं उसमें इट इज इम्पॉसिबल जैसे दुनिया बनाने वाले ने देखिए गुलाब बनाया रोज तो उसने बनाया इस तरीके से हर ब्रांच में गुलाब के आप देखते हैं कि एक फ्लावर है एक थॉर्न है फूल है और कांटा है तो आपको क्या आपको 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 कोई चॉइस नहीं इसके इसके बाद ऐसे गुलाब को लें जिसमें दोनों चीज़ें हों वी हैव नो अदर चॉइस हम अगर गुलाब चाहते हैं तो वही गुलाब हमें मिलेगा जो नेचर ने बनाकर दिया है हमको वी हैव नो अदर चॉइस ऐसे देखिए मैं अक्सर मिसाल देता हूँ गाय की काऊ काऊ से आपको दूध लेना है तो आप देते हैं उसको क्या आपने घास दी यानी दाना दिया उसको उसने कन्वर्ट किया कन्वर्ट करके आपको मिल्क लौटाया नॉन मिल्क को उसने कन्वर्ट किया मिल्क में सो काऊ इज़ एन इंडस्ट अ डिवाइन इंडस्ट्री दैट कैन कन्वर्ट नान मिल्क इनटू मिल्क आप चाहेंगे कोई और गाय आप रहो आपके पास तो वो गाय नहीं मिलेगी गा आपको वही गाय आपको मिलेगी जिसमें ये बात है गाय गाय एक डिवाइन इंडस्ट्री है एक लिविंग इंडस्ट्री है आप खुद से कोई लिविंग इंडस्ट्री दूसरी नहीं बना सकते आप, आपको अगर दूध लेना है तो ऐसे ही इंडस्ट्री को लेना है आप गाय की इंडस्ट्री काउ इज अ डिवाइन इंडस्ट्री दैट इज एबल टू कन्वर्ट नॉन मिल्क इन टू मिल्क सो यू हैव नो अदर ऑप्शन इसी को लीजिए तो दूध मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा आप चाहें कि पत्थर से दूध निकले तो नहीं मिलेगा दूध तो निकलेगा गाय के थन ही से तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि वाट इज द क्रिएशन प्लान ऑफ क्रिएटर वाट इज द क्रिएशन प्लान ऑफ द क्रिएटर उसकी स्कीम ऑफ थिंक क्या है तो इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है जहाँ तक समझा है जो दुनिया बनाई है बनाने वाले ने वो है कॉम्पिटिशन बेस्ड वो है उसमें चैलेंज है उसमें कॉम्पटिशन है आप यू कैन नॉट रिमूव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कॉम्पटिशन यहाँ रहेगा चैलेंज यहाँ रहेगा और देखिए हर इंसान को फ्रीडम मिला हुआ है हर औरत को हर मर्द को फ्रीडम मिला हुआ है तो फ्रीडम को मिसयूज मिस भी करेगा यह भी उसका ऑप्शन है कि फ्रीडम को मिसयूज करेगा तो फ्रीडम को मिस यूज कर रही तो सारी बातें पैदा होती हैं आप जानते हैं कि रोसो ने कहा था फ्रांस का जो फ्रांसफर था पॉलिटिकल फ्रांसफर रोसो जो कहा था कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट आई सी ही बिन चेंज मैं कहूँगा ज़्यादा सही बात यह है मैन वॉज नॉट फ्री बट ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बाई मिस यूजिंग हिज फ्रीडम इंसान को बनाने वाले ने बनाया फ्रीडम के साथ उसने क्या किया फ्रीडम को मिसयूज किया मिस यूज किया तो क्या हुआ दुनिया में नार्की आई दुनिया में ब्लड ब्लड सेट आया, आया दुनिया में एक्सप्लाइटेशन आया दुनिया में सारी जो चीज़ें आप हमको पसंद नहीं वो सब उनके मिस यूज ऑफ फ्रीडम का की वजह से आई हैं दुनिया में तो जब यह है हमको रहना है ऐसी दुनिया में जहाँ इंसानों को फ्रीडम दिया गया है तो आप फ्रीडम को उनका हाथ बांध नहीं सकते वो फ्रीडम को मिस यूज़ करेंगे तो फिर कंप्लेन से कोई फ़ायदा नहीं प्रोटेस्ट से कोई फायदा नहीं जिस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट करके हम नेगेटिव हो जाते हैं अपनी स्पेशलिटी खो देते हैं वो तो ऐसी चीज़ है कि कि वी हैव नो अदर यानी यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है ना कि कंप्लेन ये करना चाहता हूँ मैं क्योंकि दुनिया हमने नहीं बनाई है दुनिया जैसी है वैसी रहेगी तो कंप्लेंट से फ़ायदा क्या है? प्रोटेस्ट से फ़ायदा क्या है आपको एडजस्टमेंट का फार्मूला ढूंढना है कंप्रोमाइज़ करने का फार्मूला ढूंढना है जैसे आज ही मेरे पास एक तो आपका टेलीफोन आया उन्होंने कहा कि आप एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो कैसे एडजस्टमेंट करें लोग बाहर रहे काट रहे हैं यह कर रहे हैं तो हम एडजस्टमेंट कैसे करें मैंने कहा देखिए नेचर ने जिस तरीके से इंसान को फ्रीडम दिया है और फ्रीडम को मिस कर सकता है वो तो नेचर ने इंसान के अंदर एक और चीज़ रखी है वो है कॉन्सेंस कॉन्सेंस तो मैंने लिखा था अपने मैगजीन में एक बार उसी को रेफर करके वो पूछ रहे थे कि दुश्मन के सर पर ठंडा पानी डालना ऐसे ही जैसे ऊपर अंगारा डालना दुर्गा इसका क्या मतलब है मैंने कहा दुश्मन के सर पर जो आप ठंडा पानी डालते हैं यानी वही जो लव योर एनिमी का का उससे मामला करते हैं तो आपने उसे कॉन्शियंस को टच कर दिया कॉन्शंस को टच करते ही वो बिल्कुल बिल्कुल वो सरेंडर कर, कर देगा कर देगा तो इंसान का मैं समझ पाया हूं कि इंसान के अंदर एक के साथ दो फैकल्टी है ईगो और कॉन्शंस अगर आप ईगो को टच करें तो क्या होगा ब्रेकडाउन होगा अगर आपने ईगो को टच किया तो ब्रेक डाउन होगा और अगर आपने उसके कॉन्शंस को टच किया तो वो सरेंडर कर देगा तो अगर आप देखते हैं किसी को कि वह आपको दुश्मन बना हुआ है आपके साथ तो आप अगर रिएक्ट करें रिएक्ट तो क्या होगा आपने उसके ईगो को टच कर दिया फिर तो वही होगा वेन वंस ईगो इज टचड इट टूट टू सुपर ईगो एंड द रिजल्ट इज ब्रेक डाउन वेन वंस ईगो इज टचड इट टू इट टू सुपर ईगो एंड द रिजल्ट इज ब्रेक डाउन लेकिन जब आप उसे कॉन्शियस को टच करें तो सरेंडर कर देगा जब चाहे आप इसको तजर्बा करके देख लीजिए मैंने तो बार बार किया है तो लव योर एनिमी का मतलब है कि लव इज द ग्रेटेस्ट पावर लेकिन उसको यूज तो कर सकें आप उसको आप इस्तेमाल कर सकें देखिए इसका इस्तेमाल होता है दिल से शुरू दिल में अगर आप हेट हो सर्विस के तौर पर आप प्यार की बोली बोलें तो इज दट इज नथिंग लव योर रिमी जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिल है आपका आपका माइंड है पहले उससे सचमुच अपने दिल में अपने अंदर मोहब्बत पैदा कीजिए फिर उससे मोहब्बत का बिहेवियर कीजिए फिर आप उसको काम कर कर लेंगे तो देखिए जिन चीजों को लेकर के लोग टेंशन में रहते हैं और परेशान रहते हैं वो दरअसल एडजस्टमेंट का 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 मामला होता है इसको मैं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी का मामला होता है मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया में सबसे बेस्ट फार्मूला यानी पीसफुल लिविंग का है स्टेटस कोइज्म जो स्टेटस को है इसको बांध लीजिए और उस पर पीस ही पीस है जब आप स्टेटस को बदलना चाहते हैं तब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है लोग एक मुझसे पूछते हैं कि स्टेटस को अगर आप मान लें तो इसका मतलब है कि फिर अब करें क्या फिर फिर कुछ करना नहीं है एक ही बहुत बड़ी भूल है स्टेटस को होता है मानने का मामला किसी एक चीज़ में जैसे पॉलिटिक्स के मामले साइड लाइफ के मामले में नहीं होता है सपोज एक पार्टी की रूल रेल कर रही है एक पार्टी मैं रूल नहीं कर रहा हूँ तो उस पोलिटिकल स्टेटस को मान लीजिए उसी के साथ बहुत से दूसरे काम दुनिया में करने के लिए हैं आपके पास वो कीजिए आप ये सद्दाम हुसैन मिसाल लीजिए आप कि सद्दाम हुसैन से जो जो मांग थी अमेरिका की वो क्या थी गद्दी से हट जाएँ वो वहाँ डेमोक्रे डेमोक्रेसी लाई जाए डेमोक्रेट डेमोक्रेट रूल लाया जाए क्योंकि आप जानते थे हैं कि वो जो तो डिक्टेटर थे वो तो ट्वेंटी टू ईयर्स तक वो रूल कर चुके थे अगर वो गद्दी छोड़ देते मतलब तो क्या होता कुछ नहीं उनका बिगड़ता उनका तब भी उनके पास एक बिलियन डॉलर मौजूद था बैंकों में तब भी उनके पास एट पैलेस मौजूद थे इराक में वो चाहते तो अपने आठ पैलेस को आठ यूनिवर्सिटी बना सकते थे बड़े बड़े कॉलेज बना सकते थे इंस्टीट्यूशन बना सकते थे और ज़्यादा बड़ा काम कर सकते थे इन इराक़ वालों के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ वो दे सकते थे इन एजुकेशनल रिवोल्यूशन ला सकते थे इराक में तो देखिए अगर आप चाहते हैं टेंशन फ्री लाइफ तो आपको जानना पड़ेगा कि टेंशन फ्री लाइफ का फार्मूला क्या है एक्सेप्ट द स्टेटस को एक्सेप्ट द रियलिटी जब आप हाँ उसको बदलना चाहते हैं उससे लड़ना चाहते हैं तभी तो सारे प्रॉब्लम आते हैं तो आप कैसे एक ऐसी दुनिया में जो आपने नहीं बनाई है वह ऐसे ढंग से रह सकते हैं जो जिसका बनाने वाला दूसरा है बनाने वाले ने बनाया है, कि लोगों को आज़ादी दी है तो आज़ादी को महसूस करेंगे आप एडजस्ट कीजिए आप कंप्रोमाइज कीजिए आप उसको बहुत ही विजडम के साथ उसको मैनेज कीजिए एक है मैनेज करना एक है फाइट करना मैं मैनेज करने के खिलाफ नहीं हूं फाइट करने के खिलाफ हूं यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट रादर आर्ट ऑफ फाइटिंग इट इज फाइटिंग दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम जब आपको एक प्रॉब्लम आया आप चले गए लड़ने की तरफ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फिर है वो लेकिन अगर उसको आपने मैनेज करना सीखा तो फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम है कुछ नहीं प्रॉब्लम है जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो था उसके ऊपर एटम बम गिरा दिया गया अब सारे जैपनीज जो थे वो ग़ुस्सा हो गए कि हम अमेरिका को डाउन करेंगे अमेरिका को यह करेंगे अमेरिका को वो करेंगे तो हीरो जो उनका किंग था उसने जो बहुत ही लॉन्डेड आदमी था उसका कुछ नहीं वी हैव टू सफर दानसवरेबल हम नाकबले बर्दाश्त को बर्दाश्त करेंगे ये उसकी स्पीच थी आप पढ़ सकते हैं यू हैव टू सफर दिन सफरेबुल क्यों ताकि हम अपनी जनरेशन को उसने एजुकेशन का फार्मूला दिया असल चीज उनका कि रूट रूट काज को जानो उसने कहा कि रूट काज क्या है अमेरिकन जो है ए, एजुकेशन में हमसे आगे हैं साइंस में हमसे आगे हैं इसकी वजह से उनको ये मौका मिला कि हम रब्बम गिराए थर्टी इयर्स का उन्होंने एजुकेशनल प्लान बनाया स्पेशल साइंस एजुकेशन आज जापान जो है साइंस में इतना आगे बढ़ चुका है कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि नासा जो अमेरिका का इतना प्रेस्टिजस इदारा है वो जापान से सेट वो ख़रीद रहा है यानी अमेरिका को ज़रूरत थी कारगो अपना वो उसका जो स्पेस में उसका जो स्टेशन है वहाँ सामान भेजने के लिए कार्गो रॉकेट, वो ख़रीद रहा है वो जापान से जबकि जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त यानी नाइन्टी फाइव में नाइनटीन फाइव में जब अब गिराया गया था तो वहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं इससे स्पेस इस साइंस थी ही नहीं जापान में अब वही जापान देखिए जो पॉलिसी ली उन्होंने जिसको मैं कहता हूँ कि एक्सेप्ट स्टेटस को इस, इसका मतलब है कि जहाँ टकराव है वहाँ हट जाओ और जहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो यानी अवॉइड कंफ्रंटेशन जापान के फायकोला क्या था अवायर एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज तो अपने को टेंशन फ्री कर लिया उन्होंने सुपर टेंशन में पड़ सकती थी सारी जापानीज़। जय, जय, क्योंकि उन पर एट मुमकिन गया था सुपर तो तो, तो टेंशन में होते तो जस्टिफाइड थे वो जस्टिफाइड थे वो लेकिन वो उस टेंशन से अपनों को बाहर निकाल लिया उन्होंने उनका कि हम साइंस साँच, साइंटिफिक एजुकेशन लेंगे अब वही जापान जो है इस पोजिशन में आ गया है कि वो अमेरिका से भी आगे जा रहा है तो मैं एक मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि जिन चीज़ों को लेकर लोग टेंशन में पड़ जाते हैं वहाँ पर मामला होता है उसको मैनेज करने का यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ टेंशन मैनेजमेंट बजाय इसके कब टेंशन में जिए बीमार पड़ें ब्लड प्रेशर बढ़ाएँ डायबिटिक हो जाएं आप उसको मैनेज करना सीखिए जैसे कि जापान ने मैनेज करना सीखा मैं खुद डेली मैनेज करता रहा करता हूँ मैं बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ टेंशन होता है किसी बात को लेकर के लेकिन इंस्टेंटली मैं उसको मैनेज करता हूँ नहीं तो मर मैं मर जाऊँ मैं चिंता नहीं रह सकता मेरा ऐसा ऐसा सेंसिटिव आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है वो तो जब आपको टेंशन हो डी स्ट्रेसिंग का फार्मूला जो है देखिए आजकल आप बहुत से लोगों को देखें कि डी स्ट्रेसिंग का फार्मूला बताते हैं वो क्या और आँख बंद करके या कैसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें आप मैं कई जगह ऐसी गया हूँ जहाँ ये सब काम होता है एक जगह मैं गया तो वहाँ एक ब्रिटिश लेडी थी वहाँ पर जो स्ट्रेसिंग के उसमें प्रोसेस चल रही थी तो उसको एक्सेसिव यानी एक्सेसिव रहती थी हर वक्त तो। उसे हमने बात करना चाहा तो उससे कंटेक्ट ही नहीं हुआ बात ही नहीं करती थी वो बस एक्सेसिव ही थी वो तो डी स्ट्रेसिंग का ये फार्मूला जो आपको एटर्नली एक्सेसिव डाल दे तो ही वो तो वर्थले, वर्थलेस है देर इज दे एनवलाइजेशन दे 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 ये तो एनवलाइजेशन है सारे एनिमल एनिमल जो हैं इसी में जीते हैं इसी कसम एक्स्ट्रेसिंग में ये जो फार्मूला ये लोग देते हैं डी एक्ट्रेसिंग का उसमें थिंकिंग को स्टॉप कर दिया जाता है स्टॉप योर थिंकिंग यहाँ से बिगनिंग होती है उनकी तो फिर मुझे जीने से फ़ायदा क्या मुझे बताइए हम किस लिए दुनिया में रहें <coughs> मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है आप पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अमंग हो सोल्ड हिज फ्रायरी अब वो अपने गाड़ी भेज भेज करके सब कुछ ख़त्म करके चला गया पहाड़ के उसमें अब वहाँ वो पेड़ों को देखता था फूलों को देखता था तो आप बताइए कि जब आपने दुनिया को छोड़ दिया और एक्टिविटीज़ बंद कर दी आपने और जाकर कर रह रहे हैं तो, तो वहाँ तितली भी रह रही है वहाँ चिड़िया भी रह रही है वहाँ एनिमल भी रह रहे हैं वहाँ तो दैट इज़ अनिमलाइजेशन ये फार्मूला आपको एनिमल के लेवल पर जाता है तो मैं इस फार्मूले को नहीं मानता इंसान रहते हुए आप टेंशन फ्री हो सके वो फार्मूला चाहिए और वो फार्मूला ये कि आप मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए बजाय इसके कि आप उस टेंशन को लेकर के बैठें या टेंशन को लेकर के चले जाएँ पहाड़ पर जंगल में नहीं उसको मैनेज करना सीखिए यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ टेंशन मैनेजमेंट तो ये बहुत ही आसान हो जाता है उस वक्त जब कि आप ये सोचें कि दुनिया मैंने बनाई नहीं है तो मेरे लिए ऑप्शन ही क्या है सवा एडजमेंट के साथ दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे लिए जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ बहुत से प्रॉब्लम मेरे फिजिकल प्रॉब्लम है मेरे तो उसको लेकर के मैं आह आह करता रहूँ कि आह जवानी मैं ऐसा था जवानी उम्र में कंकर पत्थर के ऊपर सो सकता था आज मैं नहीं सोच सकता बहुत सा डिफरें आप जानते हैं फ़र्क आता है एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी में लेकिन मुझे इसको लेकर कोई टेंशन नहीं बहुत सी प्रॉब्लम मेरे हैं फिजिकल प्रॉब्लम क्यों मैं जानता हूँ कि ये तो मुझे तो उसको एक्सेप्ट ही करना है अपना बनाने वाला मैं खुद नहीं हूँ अगर मैं खुद होता तो मैं मैं अपना जैसा चाहता था वैसा बनाता मैं अपने आप को मैं बनाता कि मुझे मेरी जवानी कभी ख़त्म ना हो मुझे कोई मौत ना आए बहुत सारी बातें मैं करता लेकिन मैं अपने को खुद वो बनाए नहीं है बनाने वाला कोई दूसरा है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा नहीं तो फिर टेंशन भी जी जीना पड़ेगा नहीं तो फिर टेंशन भी जीना पड़ेगा मैंने देखे दो आदमी देखे हैं एक आदमी थे उनकी आँख जो है बहुत ही वीक हो गई तो पहले पढ़ते थे वो अब पढ़ नहीं सकते थे वो पढ़ नहीं सकते थे वो अब साफ सुबह शाम शिकायत देखो भी क्या है आँखें नहीं रह गई क्या फ़ायदा दुनिया में रहने से तो मर जाना अच्छा है सुसाइड करना अच्छा है जब आँख नहीं है तो क्या फ़ायदा दुनिया में रहने का यही सब करते थे हमेशा कंप्लेंट में जिए कंप्लेंट में मर गए वो एक और आदमी को मैंने देखा है कि उनकी आँख जो है बहुत वीक हो गई पढ़ नहीं सकते थे वो हालांकि वो राइटर थे वो पहले फिर क्या उन्हें डिक्टेट करना शुरू किया डिक्टेट डिक्टेट करना शुरू किया तो मैं उनके दस साल के बाद मिला उनसे तो उनसे मैंने पूछा कि आप पहले जब खुद लिखते थे वो कैसा था आप, आप डिक्टेट करते हैं वो कैसा है उन्होंने बताया कि मैं अब पहले ज़्यादा खुश हूं क्योंकि अब मैं जब डिक्टेट करवाता हूँ तो मेरी पूरी मेरा पूरा माइंड जो है सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया हुए रहता है कि मुझे क्या डिक्टेट करवाना है पहले तो जब ख़ुद लिखता था तो बहुत चीज़ सामने होती थी यानी मेरा माइंड कई चीज़ों में बटा रहता था तो यहाँ तक कहा कि मैं जब कंपेयर करता हूँ अपनी राइटिंग को पहले की और अब की तो मैं सोच देखता हूँ कि आज की रायटिंग मेरी ज़्यादा फोर्सफुल है पहले के मुकाबले में क्यों आज जब मैं डिक्टेट करता हूँ तो ज़्यादा कंसनट्रेशन हुआ मेरे अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन के साथ डिक्टेट करवाता हूँ पहले फोकस रहता था पेन है और इंक है और पेपर है और यह है और वो है बुक है अब कुछ नहीं बता अपने बाइंड से बोल रहा हूँ मैं तो देखिए इस दुनिया में हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है कंप्लेंट का या प्रोटेस्ट करने का बेसिक बात यह है ये ऑप्शन नहीं है आप क्या करेंगे अभी मेरे पास कई बात जगह आप जानते हैं कि आजकल चल रहे हैं कुछ वायलेंस कुछ टकराव कुछ पुलिस फायरिंग कुछ ये सब हो रहा है मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है तो वो मुझे यही कहा अभी इसी वक्त बात करके मैं आया हूँ कि आप लड़ रहे हैं किससे लड़ रहे हैं आप क्रिएटर से लड़ रहे हैं किसी कंट्री से नहीं लड़ रहे हैं किसी कंट्री के आर्मी से नहीं लड़ रहे हैं आप आप क्रिएटर्स हैं, कैसे आप जीतेंगे बताइए क्रिएटर से ये दुनिया में होता रहा है ऐसे होगा तो जो पॉलिटिकल स्टेटस को है, है आपके इस वक्त उसको मान लीजिए बस एक्सेप्ट स्टेटस को फिर उसके बाद पीस ही पीस होगा आपके यहाँ देखिए एक फार्मूला जिसको लोग बहुत कम समझ पाए हैं वो फार्मूला क्या है इग्नोर द प्रॉब्लम अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ इग्नोर द प्रॉब्लम अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ पूरी हिस्ट्री में लोग प्रॉब्लम से लड़ते रहे बहुत थोड़े लोग मिले हैं हिस्ट्री में मुझे जो प्रॉब्लम से लड़ाई छोड़ करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की तरफ चले जाए इंडिविजुअल so, हो या नेशन हो सब प्रॉब्लम से लड़ते हैं प्रॉब्लम से लड़ते हैं और फिर क्या होता है यानी कुछ कुछ गेर नहीं कर पाते बेस्ट फार्मूला लाइफ का अपने को टेंशन फ्री बनाने का और डी डी स्ट्रेसिंग का फार्मूला बेस्ट क्या है इग्नोर द प्रॉब्लम अवेल द अपॉर्चुनिटीज जब आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो टेंशन होगा जब भी आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो टेंशन होगा और जब आप फोकस करेंगे अपॉर्चुनिटीज को तो हो पाएगी होप करे जाएगी टेंशन खत्म हो जाएगा अपने आप तो यह है स्पिरिचुअलिटी इस इसको आप कहें कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं आप या जो मैंने कहा कि लिविंग बियॉन्ड द मटेरियलिटी आप कह सकते हैं आप? तो बेस्ट फार्मूला अपने को टेंशन फ्री बनाने का या डी स्ट्रेसिंग का क्या है सच्ची स्पिरिचुअलिटी को अपनाना जैसा कि मैंने कर रखा है मेरे बहुत प्रॉब्लम हैं इतने प्रॉब्लम है कि उस पर बोलूँ तो रात भर शायद उसे बोलता रहूँ अपने प्रॉब्लम पर लेकिन खुदा के फल से मैं साउंड स्लीप लेता हूँ मैं कोई कोई वैसी बीमारी नहीं मुझे कुछ नहीं अभी देखिए किस्सा हुआ एक मैं बहुत ही स्टेटिव किस्सा बताता हूँ आपको एक साहब थे विंग कमांडर एयरफोर्स में ये सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको एयरफोर्स में विंग कमांडर थे वो मैं ऐसे वाक जो बताता हूँ इससे कि एक इंडिविजुअल केस नहीं है वो उसको आप जनरलाइज कर लीजिए सब का केस वही है विथ सम डिफरेंसेस तो वो एयरफोर्स में विंग कमांडर थे तो क्या हुआ किसी वजह से उनको ग्राउंड कर दिया गया यानी हवाजा उड़ाते थे फिर उनको ऑफिस का काम दे दिया गया उनकी सैलरी वही थी सारे पर्स वही थे वो सब कुछ फैसिलिटीज़ वही थी लेकिन ग्राउंड कर दिया गया तो हवा जहाज़ उड़ाने के बजाय ऑफ़िस का काम अब बहुत गुस्सा हुई वो बड़े बाद से उन्होंने बात झटझट किया और यहाँ तक कि रिज़ाइन कर दिया रिज़ाइन कर दिया उसके बाद क्या हुआ उन्होंने एक बिजनेस किया वो बिज़नेस फेल हो गए वो सारा पैसा उसमें डूब गया अब क्या वो सुपर टेंशन उनको हो गया पहले टेंशन था जॉब छोड़ने का फिर टेंशन हुआ जो पैसा था वो भी चला गया फिर एक के बाद एक टेंशन एक के बाद एक टेंशन यहाँ तक कि जब वो जॉब में थे जॉब में मैंने देखा है उनको बहुत ही हेल्दी थे बहुत हेल्दी बाद को बिल्कुल वो बीमार पड़ गए बहुत ही उनको यानी ऐसी बीमारी लग गई जो क्यूरेबल नहीं थी वो यहाँ तक वो डेथ हो गई उनकी तो मैं उनके फ्यूनरल में गया था उनके फ्यूनरल में मैं शरीक था जब उनको बरी किया गया आप ज़्यादा बरी करने के मतलब अंडरग्राउंड डालना ज़मीन खोद कर उस डालते हैं तो एक ही कीजिए कि मैं उस वक्त रोने लगा मैंने सोचा कि अगर जिस वक्त उनको ग्राउंड किया गया था अगर वे सोचते कभी तो कंपल्सरीली मुझे अंडरग्राउंड किया जाएगा अभी मैं ग्राउंड किए जाने पर गुस्सा हो रहा हूँ हालांकि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जबकि कम्पल्सरली मुझे अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा यह था उनके लिए आर्ट ऑफ डी डी स्ट्रेसिंग ऐसा सोचते वो तो उसी वक्त डी स्ट्रेस कर लेते वो अपने आप को टेंशन फ्री बन जाते वो इसी को हूँ आर्ट ऑफ टेंशन मैनेजमेंट यानी उसी में वो जीते रहे कि मुझको ग्राउंड uh, कर दिया गया फिर और जो उन्होंने गलतियाँ की उसके तो उसकी वजह से उनको बहुत लॉस हुए इन टर्म ऑफ मनी और फिर टेंशन में टेंशन में यहाँ तक कि बीमार पड़ के पढ़ गए तो एक सेकंड में उसको मैनेज कर सकते थे एक सेकंड में एक सेकंड में ये सोचते अगर वो कभी तो उन्होंने मुझे ग्राउंड किया है इसके बाद तो मुझे अंडर किया जाने वाला है तो फिर इस पर टेंशन क्या इस पर गुस्सा क्या चलो ये भी ठीक है वो भी ठीक है यह है आर्ट ऑफ टेंशन मैनेजमेंट और इसका राज जो है स्पिरिचुअलिटी में है स्पिरिचुअलिटी आपको बनाती है इस काबिल स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू एबल टू मैनेज योर टेंशन योर स्ट्रेस लेकिन आपको सेंसियर बनना पड़ेगा चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा ये नहीं मुमकिन लोग ऐसे क्या करते हैं कि चाहते हैं ये भी मिले वो भी मिले आप चाहते हैं इंडिया भी रहूं मैं और ब्रिटेन भी रहूं तो कैसे हो सकता है आपको ब्रिटेन को छोड़ना पड़ेगा तो इंडिया मिलेगा इंडिया को छोड़ना पड़ेगा तो ब्रिटेन मिलेगा तो लोग चाहते हैं कि ये भी पोजिशन जो मिली रहे वही वही मिली रहे इसीलिए मैं कहता हूँ सीसियरटी मस्ट है तो मैं ये कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी को समझिए एज द आर्ट ऑफ माइंड एज एन आर्ट ऑफ माइंड आर्ट ऑफ हार्ट नहीं देर इज नथिंग और माइंड के अंदर खुदा ने क्रिएटर ने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी दी है यू कैन मैनेज एवरी थिंग बाई यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो स्पिरिचुअलिटी को समझिए स्पेशलरी को अपनी जिंदगी हिस्सा बनाइए और फिर आप के लिए दुनिया में न कोई टेंशन होगा न कोई स्ट्रेस होगा यह है मेरा एक्सपीरियंस यह है मेरी स्टडी जो बहुत दिनों के बाद मैंने समझी है उसको मैंने आप सामने पेश किया थैंक यू We can now have a quickly uh, a short question answer session. You can hand over your questions to any of the CPS volunteers. I would request that you restrict your questions to today's subject. Until <laughs> we get uh, questions, uh, a question actually came in my mind while I was listening to your lecture. I've often seen that when the subject of spirituality is discussed among people.

लोग हार्ट बेस्ड स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं ये तो मेरी डिस्कवरी है ये मेरी डिस्कवरी है कि मैंने माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर किया उसको लोग जानते हैं नहीं वो तो ज़िंदगी को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है जिस स्पिरिचुअलिटी को मैं कह रहा हूँ वो आपके लाइफ को ज़्यादा स्पीचुअल ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है आपके जॉब को आप बिजनेस को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है यानी आप जानते हैं कि जॉब हो या बिजनेस हो इंडस्ट्री हो हमेशा कुछ ना कुछ सेटबैक भी होता है जरूर होता है एक शॉक लगता है उस शॉक को कैसे आप सहें आपको शॉक को सह ही सहना है क्योंकि आप ऐसा बिजनेस नहीं है ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसा कोई जॉब नहीं है जहां आपको कभी ना कभी शॉक ना लगे तो शार्क मैनेजमेंटी का फार्मूला तो है स्पेचलिटी तो आपकी लाइफ को, को ज्यादा अच्छा बनाता है रिटायरमेंट के बाद क्या फायदा

And them in all of us. What is your नहीं ऐसा नहीं है मंग को सोलह उसके उसका कंसेप्ट दूसरा है मैं दूसरी बात कह रहा हूँ शायद आपने पूरी मेरी पूरी स्पीच नहीं सुनी है मैं माइंड बेस्ड स्पेचुअलिटी की बात कर रहा हूँ वो तो कह रहे हैं कि चक्कर भी चले जाओ देदर थिंग मैद मेरी पूरी स्पीच नहीं सुनी इसलिए आपने ऐसा फरमाया है This question is from Sir Mark Tali. How do you compromise between your बड़ा ब्यूटिफुल क्वेश्चन है मेरा खास है मैं, खासे मैं अपने स्पीच इस में इसका जवाब दे चुका हूँ। आप देखिए इतनी देर में बोला हूँ। मैंने कोई भी कुरान का रेफरेंस नहीं दिया सबसे ज्यादा हाईलाइट किया इसको मैंने वो हद बसी का रेफरेंस जीजस क्राइस्ट का लव योर एनीम इसी से मैं अपने इस बात का वो वो कर चुका हूँ कि दूसरे बदबों को मैं कितना बिगाड़ देता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या है मेरा फार्मूला है कि फॉलो वन एन एन लव ऑल मोहब्बत हम सबसे करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में फॉलो तो एक ही एक ही कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल सेंस में आप फॉलो कई को कहे तो ये पॉसिबल नहीं है ये तो बाय हार्ट मैं एक से लव करता हूँ एक से प्यार करता हूँ इसका अभी एक आपने एग्जांपल देख लिया कि मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जिस चीज़ को वो जीस क्राइस्ट का एक एक सेंग है लव योर एनिमी तो मैं फॉलो तो करता हूँ इस्लामिक तरीके को लेकिन मैं, मैं समझता हूँ कि इस्लाम का यह भी टीचिंग है कि सबसे एडजस्ट करके कर रहो सबको रिस्पेक्ट दो यानी फार्मूला इस्लाम का जो है मैं अपनी किताब में लिखा है इस मामले में फॉलो वन एंड रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन एंड रिस्पेक्ट ऑल ये इस्लाम का फार्मूला जो है मैं अपनी किताब में लिख चुका हूँ मौलाना दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर देवेंद्र मोहन हाउ टू अवॉइड अनवांटेड थॉट्स दैट कीप दैट कीप्स कमिंग टू आवर माइंड माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि जब चाहे उसको जिस तरह से यूज कीजिए आप मुझे एक 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 यूरोपियन थिंकर का एक वो बहुत पसंद है उसकी से अपने माइंड के बारे में उसने कहा बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है ये उसने कहा कि आई एम लार्ज एनफ अपने माइंड के बारे मुझे में मुझे आई एम लार्ज एनफ टू कंटेन ऑल दिज कंट्राडिक्शंस आई एम लार्ज एनफ टू कंटेन ऑल दीज कंट्राडिक्शंस यानी माइंड में कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि बैक वक्त तो आप देखिए हर घर में आप वाइफ से मोहब्बत करते हैं अपने माँ से मोहब्बत करते हैं कितनी अजीब बात है एक ही टाइम आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं अपने 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 माँ से मोहब्बत करते हैं ये माइंड की कैपेसिटी तो है ये एक ही साथ आप दो से मोहब्बत करते हैं माइंड की माइंड की कितनी बड़ी कैपेसिटी है तो मैं समझता हूँ कि माइंड को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सब कुछ आप के माइंड में भरा हुआ है और सब कुछ आप पा सकते हैं माइंड के थ्रू

फौजें आ गई अमेरिका की और उनको हटाया नहीं उन्होंने सारा एडमिशन अपने कदम में कर लिया अमेरिकन ने जापान का अमेरिकन के स्टेटस को मान लिया और क्या क्या उन्होंने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जब मैं कहता हूँ स्टेटस को तो मतलब उसका होता है कि आप स्टेटस को मान करके अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए ये जापान ने किया यानी एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने अपॉर्चुनिटी का अवेल किया और जो कन्फ्रेंशन कंफ्रेंटेशन का जो मामला था वहाँ उसको इस ट्रेस को मे डाल दिया इस में डाल दिया और थर्टी इयर्स में हिस्ट्री बदल गई और और उसी उसी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से लोग लड़ रहे हैं अब आज भी अभी तो लड़े चले जा रहे हैं और कुछ भी गेन नहीं किया उन्होंने मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है उसी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान बा जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर निकला उसी सेकंड बार-बार के बाद बहुत से लोग भी तो लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं उन्हें मिला कुछ भी नहीं तो इस स्टेटस कोई जो है वो इस वो जो मास्टर फार्मूला है सुपर सक्सेस का सुपर अचीवमेंट का रन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टूडेंट हु इज पर्सुइंग हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी हिज नेम इज मिस्टर शाहिद मट्टू he says that i accept spirituality is an art of mind. but what about the critic, the satan that lives in our mind? he says that i always try to use my mind. but this critic, satan, comes his way. so he wants a formula from you, how to handle this. <laughs> बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तो इस्लाम कॉन्सेप्ट ये यह है कि हर आदमी के साथ दो होते हैं एक सेटन एक एंजल हर आदमी के साथ ये आदमी के ऊपर है कि वो किसको अपना अपना एडवाइज़र बनाए सेटन को या एंजल को होता यह है कि जब एक एक चीज़ हुई आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ पेश आई तो आप चले गए नेगेटिव साइड में तो सेटन को आपने मौका दे दिया आपने सेटन का एडवाइज़र बना लिया उस वक्त अगर आप चले गए पॉजिटिव साइड में तो एंजल को आपने अपना एडवाइज़र बनाया यह है फार्मूला ये तो टेस्ट है इंसान का कि जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो उस वक्त जो है आपको ये करना है कभी भी नेगेटिव साइड बनना जाएं क्योंकि जाते ही आप सेटन के एडवा बन, को बना लेंगे और शर्टर आपको ले आएगा यानी तबाही की तरफ उस वक्त आप अपने को संभालिए अपने को संभाल करके एक, एक मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये थर्टी सेकंड का मामला है मतलब एंगर जो है वो थर्टी सेकंड में डिफ्यूज़ हो सकता है थर्टी सेकंड में तो उस, उस थोड़ी देर का जो आपको नेगेटिव थाट आता है उसको थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कर लीजिए तो और उसके बाद आप बहुत आसानी से पॉजिटिव साइड ले लेंगे तो फिर एंजली एंजल हर तरफ आपके लिए मिल जाएंगे आपको ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही नेचुरल फार्मूला है ये दिस क्वेश्चन हाउ कैन यू जज दैट वन इज स्पिरिचुअल देखिए ये तो जज करना मेरा काम नहीं है ये गार्ड का काम है मैं जज की कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ हूँ तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं किसी को बताऊंगा कि लेकिन अपने समझ से मैं जानता हूँ ये कि उसके बिहेवियर में जब उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए जब उसको प्रोवोक किया जाए उस वक्त वो अपनी पॉजिटिविटी को न खोए तो वो स्पिरिचुअल पर्सन है वो अगर मुझे समझना हो किसी को जानने के लिए तो वो टाइम के किसी को आप प्रोवोक करते हैं जब उसको आप गुस्सा दिलाते हैं जब आपसे उसको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है उस वक्त उस वक्त जो है वो टेस्ट पर आ जाता है उस वक्त टेस्ट पर आ जाता है वो उस वक्त अगर उसकी पॉजिटिविटी बाकी रहे तो वो स्पिरिचुअल पर्सन है नहीं तो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है

आज जो रिलीजन है वो सेट ऑफ रिचुअल्स बना हुआ है किसी ने बहुत सही कहा है कि रिलीजन बिगिनस फ्रॉम फ्रॉम एन आइडियोलॉजी देन इट इज़ रिड्यूसेस टू सेट ऑफ रिचुअल्स रिचुअल्स कस्टम ये आज सा हर मजहब का हाल है इंक्लूडिंग इस्लाम अभी जो एग्जिस्टिंग इस्लाम है वो बस रिचुअल्स और कस्टम का नाम है स्पिरिट गायब है पूरी मुस्लिम दुनिया में स्पीड गायब है अभी आप देखें कि रमज़ान आ रहा है वो शोर मचेगा मस्जिदों में हालांकि रमज़ान है साइलेंस का महीना है खामोशी चुप रहना और यहाँ देखें कि आप कितना शोर मचेगा लाउड स्पीकर का तो विद स्पीड ऑफ रमज़ान तो हर मजहब में चाहे चाहे कोई भी मज़हब हर मजहब में इस वक्त यह हाल है कि स्पीड गायब है और रिचुअल्स हैं कस्टम्स हैं उसी को लोग मज़हब समझ रहे हैं लोग समझते हैं कि ऐसे मज़हब की हम ज़रूरत क्या है वो वो तो ही तो नहीं है मजहब जो ट्रू सेंस में मज़हब है वो स्पिरिट पर बेस करता है उसी को मैंने स्पिरिचुअलिटी कहा है मैंने रियल मजहब जो है वो स्पिरिट पर बेस करता है स्पिरिचुअलिटी पर बेस करता है तो वो तो इंसान के लिए ब्लेसिंग है उसके बगैर तो यानी जिंदगी जो है ऐसी हो जाएगी जैसे पानी के बगैर हमारा प्लानट तो आप रिचुअल्स को लेकर के या कस्टम्स को लेकर के मत समझिए कि यह मजहब है वो तो कोई वो तो रिड्यूस्ड फार्म है मजहब का मजहब का रिड्यूस्ड फार्म है सच्चा मजहब जो है वो स्प्रिट पर पेश करता है जैसे मैं आपको एक किस्सा अर्ज करूँ हिंदुज मैं हिंदुज्म को पढ़ता हूँ क्रिश्चन को पढ़ता हूँ मैं जुडाइज को पढ़ता हूँ वेदियों के लिए बेहद कोई नफरत नहीं है सारे मुसलमान यहूदी से नफरत करते हैं मेरे दिल में कुछ भी नफरत नहीं एक आयटा के बराबर भी मैं यहूदी से नफरत नहीं करता न किसी से करता मैं तो स्वामी विवेकानंद जो हैं आप जानते हैं कि बहुत बड़े आदमी थे एक आदमी ने चाहा कि उनको टेस्ट पर ले जाँचें उनको तो उनके कि ता उनके सहनशीलता कितना उनके अंदर है स्पिचुअलिटी कितनी उनके अंदर है अपने आप बुलाया तो जिस रूम में उनको बुलाया गया था वहाँ पर एक टेबल पर बहुत सी बुक रखी हुई थी धार्मिक बुक सेक्रेट बुक्स उसमें क्या था कि सबसे नीचे गीता गीता रखी हुई थी उसके ऊपर दूसरी दूसरी किताबें जैसे कुरान और बाइबल और दूसरी किताबें तो गीता नीचे और दूसरी किताबें ऊपर वो समझता था आदमी कि जब देखेंगे ये तो गुस्सा होंगे वो हिमोलियशन तो फिर इसी इसी लिए मुझे बुलाया था कि मुझे हिमोलीट करो कि मेरी बुक नीचे रख दी और सबको ऊपर कर दिया तो स्वामी विवेकानंद वॉज अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन जब देखा उन्होंने तो कुछ भी गुस्सा नहीं हुए वो मुस्कुरा दिए वो मुस्कुराकर उन्होंने कहा द फाउंडेशन इज रियली गुड द फाउंडेशन इज रियली गुड तो यानी स्वामी विवेकानंद वॉज एबल टू तो कन्वर्ट हिज नेगेटिव एक्सपीरियंस इंटू पॉजिटिव फीलिंग इसी के अलावा स्पिरिचुअलिटी है इसी के अलावा मज़हब ये ट्रू मतलब ये है और जो आप जो कबीर ने बहुत सही कहा है कि वो क्या कहा उन्होंने माथे तिलक हाथ बलबाना लोगन राम खिलौना जाना इसको आप मजहब समझते हैं तो इसलिए आप रिएक्ट कर रहे हैं ये मज़हब है ही नहीं माधे तिलक हाथ बनवाना लोगन राम खिलौना जाना वो मजहब ही नहीं है वो वो रिड्यूस्ड फॉर्म है मज़हब का मज़हब वो है जो स्पिरिट पर बेस करे जिसके अंदर सच्ची मोहब्बत हो सच्ची इंसानियत हो सच्ची इस्परिचुअलिटी हो यानी फॉर्म भी रहेगा वहाँ पर लेकिन असल चीज़ तो स्पिरिट होती है तो चूँकि आज जो मज़हब है जगह जगह वो सब फार्म रह गया स्पिरिट ख़त्म हो गई है तो लोग कहते हैं कि ऐसे मजहब क्या है जो असल मजहब है वो तो बहुत ऊंची चीज है वो तो ब्लेसिंग है इंसानियत के लिए दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर जे के डोगरा इट इज एन एज ऑफ साइंटिफिक वंडर्स मॉरल एंड एनवायरमेंटल ब्लंडर्स विच कॉजेज टेंशन परस्यूड ऑफ ऑल दिस इज अन गोइंग प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ultimately the religion of mankind is mankind is only kindly टलीजन बल ये एक थियोरी है ह्यूमनिज्म कहते हैं लेकिन मैं इसको नहीं मानता इसलिए कि कोई बेस होनी चाहिए ह्यूमनिज्म के बेस क्या है इस्लाम के पास बेस है कुरान का हिंदुज्म के पास एक गीता का बेस इस क्रिश्चियनिटी के पास बेस है बाइबल का एंड बट ह्यूमनिज्म नो no बेस लोगों के माइंड में है बस आपकी कोई अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी बाइबिल क्या है ह्यूबिन की बाइबिल तो कोई बाइबिल नहीं आपके पास है तो सबसे पहले आपको एक इसकी आइडियोलॉजिकल बेस बतानी पड़ेगी कुछ सेंटिमेंट लोगों के हैं उसका तो नाम उससे तो कोई नहीं बन सकता मैन uh, काइंड का मतलब यू हैव टू डिस्कवर अ बाइबल ऑफ दैट इज एबसेंट एट प्रेजेंट जब तक आप उसके यानी ह्यूमनिज्म हु, का एक बाइबल डिस्कवर ना कर चुके हों तब तक ये बातें कहना सिर्फ एक 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 बात हूँ कि एक शायरी है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोई साइंस यानी साइंस और ह्यूमनिज्म मौजूद नहीं दुनिया में यानी लोगों के अंदर एहसास तो है मैं जानता हूँ ह्यूमनिज्म का लेकिन जब उसको आप साइंस का रूप दे जब तक ना दें जब तक उसकी आइडियोलॉजी डेवलप न कर सकें

दोनों के अपने अपने है, अपने अपने साइंस हैं एस आई जी एन निशा यानी सेटन अगर आप पर अगर आप सेटन के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं अगर आप सेटन के इन्फ्लुएंस में आ गए तो क्या होगा आपके अंदर एंगर रहेगा हेट रहेगी इंटॉलरेंस होगा वायलेंस होगा ये होगा और अगर आप अगर आप एंजल्स के इन्फ्लुएंस में हैं तो आपको लव होगा दूसरे के लिए प्यार होगा टॉलरेंस आपके अंदर होगा आपके माइंड में पीस होगा चीज़ों को पीसफुली मैनेज करना आप जानेंगे ये बिल्कुल खुला हुआ दोनों का अलग अलग दिखाई देगा आपको खुला हुआ इसमें कोई मैं के हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि निगेटिव जहाँ जहाँ किसी इंसान के अंदर नेगेटिव बिहेवियर आप पाएं तो वो सेटन के इन्फ्लुएंस में है पॉजिटिव बिहेवियर पाएं तो एंजिल के इन्फ्लुएंस में है लेकिन इसका जो है टेस्ट होता है जब उसको प्रोवोक किया जाए इन नॉर्मल कंडीशन में ये टेस्ट नहीं हुआ करता हम आप दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं एक पेयर टेबल पर तो इट इज नॉट टेस्ट टेस्ट यह है कि मैं कोई क्रिटिसाइज करूँ आपके ऊपर या आप मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करें और किसी किस्म का प्रोवोकेशन हो किया जाए मेरे साथ या आपके साथ वो टेस्ट का लम्हा होता है उस वक्त अगर आप नेगेटिव हो जाए तो इस बाने के, के इन्फ्लुएंस में आप हैं उस वक्त अगर आप पॉजिटिव बने, बने रहें तो आप इस के आप आप लेंजिल के इन्फ्लुएंस में हैं क्वेश्चन इज फ्राम डॉक्टर इग्नोर द the ऑपरचुनिटीज भाई देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ इस वक्त जो है मुसलमान अभी अब मेरे पास एक साहब टेलीफोन आया था तो मैंने कहा इस वक्त के मुसलमान जो हैं वो रसुल्ला के तरीक़े पर है ही नहीं लफ्जा के लिए लड़ते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते हैं वो ये फार्मूला सबसे पहले प्रॉफिट ने दिया था हिस्ट्री में सबसे पहले दिया था वो कैसे इसको इसको कहते हैं हदेविया एग्रीमेंट जो किया था आपने हुदेविया एग्रीमेंट बहुत ही वेल नोड है इसमें इस्लाम की हिस्ट्री में कि रसुल्ला के वहाँ उज़माने जमाने में जो लोग थे वो आपके खिलाफ हो गए हॉस्टाइल हो गए आपसे लड़ना चाहा तो आपने लड़ाई को अवॉइड किया और उसे एग्रीमेंट कर लिया जहां तक एग्रीमेंट था इन लेटरल बेसिस पर अग्रीमेंट था यानी उनकी कंडीशन मान ली गई थी ये दूसरी पार्टी कंडीशन को बांध करके सिर्फ यह हुआ था कि टेन ईयर के लिए इट वॉज टेन ईयर नो वार पैक्ट कि चलो भाई जो दुबकाते हो हम मान लेते लड़ाई भड़ाई बंद करो यानी हजाबी एग्रीमेंट यह था कि जो कुछ तुम कहते हो हम सब मान लेते हैं सब मान लेते हैं यहां तक कि जब अग्रीमेंट लिखा जा रहा था तो कितनी अजीब बात है कि उसमें लिखा गया था कि ये एग्रीमेंट मोहम्मद रसुल्ला की तरफ से है क्योंकि हम तो रसुल्ला मानते नहीं आपको तो मिटाइए तो आपने अपने हाथ से पेपर से मिटा दिया सिर्फ मोहम्मद रहने दिया रसुल्ला मिटा दिया आज तो हम सुबह लड़ते हैं अगर अगर कहीं ऐसा कोई बात हो जाए एक कार्टून छप जाए तो लड़ते हैं उसके लिए रसुल्ला इस पर नहीं लड़े कि रसुल्ला लफ्ज ही मिटा दो तुम सिर्फ मोहम्मद कहो हमको क्यों किया आपने ऐसा कि लड़ाई को बंद करके और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी अपने मिशन को फैलाने की ये तो है इग्नोर द प्रॉब्लम अवेल द अपॉर्चुनिटीज मुसलमान इतना ज़्यादा इतने बेखबर हैं कि मैंने पहली बार इन्हीं मॉडर्न हिस्ट्री में खुदयी आगे को पेश किया तो सारे मुसलमान मुखालिफ हो गए वन टू ऑल यानी इतना ज़्यादा वो इससे स्ट्रेंज हो गया है ये मुसलमानों के दरमियान ये फार्मूला कि बड़े मुखालिफ हो गया इसी लिए कि देखो भाई तो पसपाई सिखाते हैं ये जो चीज़ किताबों में मौजूद है सारी किताबों में मौजूद है इसको कोई डिरा नहीं कह सकता जिसको कोई वो मैंने पेश किया कि जगह जब आप लड़ रहे हैं दुनिया भर में लड़ रहे हैं मुसलमान खाम का अभी हाल में देखिए श्रीकान में बम मारने लगे बिल्कुल 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 स्टपिट हरकत यह है तो मैंने कहा कि जो आप लड़ रहे हैं इधर उधर आप उदयी एग्रीमेंट कीजिए <laughs> उस पर फॉलो कीजिए कि प्रॉब्लम को साइड में रख लीजिए अपॉर्चुनिटीज हर जगह है अपॉर्चुनिटी हर जगह है।, है याद रखिए कश्मीर में भी है सिंक्यार में भी है फिलिपाइन में भी है अरकान में भी है फलस्टाइन में भी है इसराइल में भी है मैं इसराइल दो बार गया हूँ सब अपॉर्चुनिटीज वहाँ खुली हुई हैं आपके लिए लेकिन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का बैठ नहीं पास लड़ना 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 द अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हुदैबिया कि मुसमान तो इस्लाम को फॉलो कहाँ करना ही ये लोग रसोल्ला के नाम पर लड़ते हैं और रसोल्ला के नमूने को नहीं पढ़ते यहाँ तो मुसमानों की तो ये तो फार्मूला सबसे पहले मोहम्मद ने दिया था पूरी हिस्ट्री में इग्नोर द प्रॉब्लम अवेल द अवेल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकिन जब मैंने इस फार्मूला को पेश किया तो मेरे मुझको कहने लगे कि साहब ये तो हमको बुजुर्ग बनाते हैं कब्डिस सिखाते हैं हमको इतना ज़्यादा लोग इससे बेखबर हो गए इतना कि उनको एच, एक अदबी ऐसा लगता है ये फार्मूला उनको